यदि किसी को बहुत गर्मी लगती है शरीर में, एंगर, गुस्सा बहुत आता है, हॉट फ्लैशेस, पसीना बहुत आता है, स्वेद बहुत आता है, हाइपरटेंशन है, मन अशांत है, घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पल्पिटेशन बढ़ जाती है, उसके लिए शीतली प्राणायाम, जीवा बाहर निकालेंगे। जिनको सर्दी हो, कफ खांसी हो, वो नहीं करना। ऐसे करते थोड़ी देर अंदर रोक के रखते, यथाशक्ति रोक के फिर नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इनहेल करना है माउथ से, एक्सहेल करना है नॉस्ट्रिल्स से। ऐसे 3, 5, 7, 11, 21 बार तक किया जा सकता है इस प्राणायाम। श्वास को भरना पूरक कहलाता है योग में। श्वास के भरने को, ब्रेथ को इनहेल करने को क्या कहते हैं? पूरक। श्वास को बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं? रेचक। पूरक करना है मुख से, रेचक करना है नासिका से। श्वास को अंदर भर के अंदर रोकना आभ्यंतर कुंभक, श्वास को बाहर छोड़ के एक्सहेल करके आउटसाइड ब्रेथ को होल्ड कर देना बाह्य कुंभक। रेचक पूरक कुंभक, तीन बंध कहलाते। थोड़ी को ऐसे कंठकूप में लगाना, ये जालंध्र बंध। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देना उड्यान बंध। नाभि से नीचे वाले भाग को कॉन्ट्रैक्ट करके खींच के रखना मूल बंध। दहिना स्वर सूर्य स्वर, दहिने स्वर को क्या कहते हैं बोलिए? सूर्य स्वर। वाम स्वर को चंद्र स्वर, क्या है बोलो? सूर्य स्वर चंद्र स्वर। लेफ्ट ईड़ा, राइट पिंगला, बीच में सुषुम्ना। ऐसे योग के कुछ मूलभूत सत्य है, उनका बोध भी होना चाहिए।